गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ध्वनिक एंड प्रेक्षा शो। हाँ मैं हूँ प्रेक्षा और ये है ध्वनि। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं गणेश चतुर्थी का छोटा सा सेलिब्रेशन। सो लेट्स गेट बिगिन। सो फ्रेंड्स अब वही आपको आज हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं उसकी एक स्टोरी बताएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी विधि बता रही है आज गणपति दादा का बर्थडे है। हाँ तो आज गणपति बप्पा का बॉर्न हुआ था इसी दिन, इसीलिए हम आज के दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको गणेश जी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। सो फ्रेंड्स एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको एक पेड़ नजर आया जो बहुत विशाल था और वो बहुत अलग दिख रहा था। उनमें से उन्होंने एक फल देखा। वो फल सबसे पहले गणेश जी ने देखा और फल को तोड़ा कार्तिकेय ने सबसे पहले। तो दोनों इसी बात पे झगड़ने लगे कि यह फल किसका होगा। तो इस बात का हल निकालने के लिए वह अपने माता पिता के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि यह फल किसको मिलेगा, यह फल किसको प्राप्त होगा। तो गणेश जी ने बताया कि यह फल सबसे पहले मैंने देखा था और कार्तिकेय ने बताया कि यह फल को सबसे पहले मैंने तोड़ा था। तो शिव जी ने इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि ने इसका हल निकालने के लिए दोनों को कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी के तीन चक्कर काटेगा वही उसी को यह फल की प्राप्ति मिलेगी। और शिव जी ने उनको यह भी कहा कि जो भी इस फल को खाता है उसमें ज़्यादा बुद्धि प्राप्त होती है। फिर कार्तिकेय ने अपना जो वाहन था जो था मोर उनको लेके पृथ्वी के तीन चक्कर काटने निकल पड़े। पर गणेश जी सोच में पड़ गए कि मेरा तो वाहन छोटा सा मूषक है, वह कैसे पृथ्वी के तीन चक्कर इतनी जल्दी काट पाएगा। तो इसीलिए उसने थोड़ी देर सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। उनको थोड़ी देर बाद एक सुझाव आया और वह तुरंत अपने माता पिता के तीन चक्कर काटने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब यह फल आप मुझे दे दीजिए, मैंने सबसे पहले पृथ्वी के तीन चक्कर काट लिए। उसके बाद उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, आपने तो पृथ्वी के तीन चक्कर काटे ही नहीं, आपने तो हमारे तीन चक्कर काटे हैं। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि वेदास और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही पृथ्वी बसी है और आप ही मेरी पृथ्वी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके तीन चक्कर काट लिए। और तब तक कार्तिकेय भी आ गए और उन्होंने और कार्तिकेय ने पूछा I'm not afraid.
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक और शेयर। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।